मुंगेली नगर पालिका में आखिरकार भाजपा ने अपना कब्जा जमा ही लिया। दरअसल नगर पालिका चुनाव में कुल 22 वार्डों में से 11 वार्ड भाजपा से जीत हासिल किया था तो 9 पर कांग्रेस ने, वहीं निर्दलीय व जोगी कांग्रेस एक एक जीत कर आए थे। ऐसे में दोनों पार्टियों की ओर से जोर तोड़ की राजनीति के बीच अध्यक्ष बीजेपी के संतूलाल सोनकर चुने गए। मुंगेली नगर पालिका में आखिरकार बीजेपी का कब्जा हो ही गया। चुनाव परिणाम आने के बाद से चर्चाएं जोरों पर थी कि आखिर शहरी सरकार की कुर्सी पर किस पार्टी का कब्जा होगा। आपको बता दें कि चुनाव परिणाम नगर पालिका के कुल 22 वार्डों में से 11 भाजपा, 9 कांग्रेस तो निर्दलीय और जोगी कांग्रेस एक एक जीत कर आए थे। ऐसे में दोनों पार्टियों की ओर से जोड़ तोड़ की राजनीति अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव से कुछ समय पहले तक होती रही। हालांकि तमाम राजनीति जोड़ तोड़ व कयासों के दौर पर पूर्ण विराम अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव परिणाम आने के बाद लग गया, जहां बीजेपी के संतूलाल सोनकर कुल 22 मतों में से 12 से 10 की स्थिति में कांग्रेस प्रत्याशी हेमेंद्र गोस्वामी को हराकर अध्यक्ष निर्वाचित हुए, तो वहीं उपाध्यक्ष चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी मोहन मल्ला एवं कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद वैष्णव को 11-11 बराबर मत प्राप्त हुए, जिसके बाद टाई की स्थिति निर्मित होने पर सर्वसम्मति से नगर के एक बच्चे के हाथों बंद पेटी से चीट निकलवाई गई, जिसमें बीजेपी के मोहन मल्ला उपाध्यक्ष के लिए निर्वाचित हुए। ओ मैं वहाँ मैं दही को देता हूँ उसका श्रेय, क्योंकि वो बच्चे भगवान के रूप में मेरे पास भेजा गया था और वो चीट निकाल के मेरे विजय दिलाया है। ये श्रेय वो बच्चे और महामा दही की कृपा से है। विकास को लेकर क्या कहें? विकास जैसे अब मुंगेली में एक गार्डन है और गार्डन अधूरा पड़ी हुई है, उसको सबसे पहला प्राथमिकता ये देते हैं कि मुंगेली का जो 18 एकड़ में गार्डन बना हुआ है उसको पहले प्राथमिकता के हिसाब से उसको बनाया जाए। नगर विकास के लिए हम लोग ऐसा विकास करेंगे कि जो जनता अपेक्षा की है उससे बेहतर विकास काम करेंगे। क्या प्राथमिकताएं रहेगी? प्राथमिकता है कि पहली प्राथमिकता है कि अपन नगर पालिका में इनकम का स्रोत बढ़ाएंगे, आय का स्रोत बढ़ेगा, आय स्रोत बढ़ने से अपन रचनात्मक कार्य में उस पैसे का उपयोग करेंगे। दूसरी प्राथमिकता मेरी है कि जो पेयजल की संकट है उसको दूर करेंगे। इतनी जल्दी हो सके जीत का श्रेय किसे देंगे? जीत का श्रेय मैं अपने पार्टी को देता हूँ, अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं देता हूँ, उनका आशीर्वाद हमें पूरा मिला और जितने भी कार्यकर्ता हैं पूरा तन मन धन से लगे हैं और उसने हम लोग को जीत दिलाए हैं। शिक्षक कार्य छोड़कर मैं ये भी अपेक्षा करता हूँ आने वाले पंचायत चुनाव में भी त्रिस्तरी में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जीत हासिल करेंगे और हुकूमत लाएंगे। मुंगेली से नीलकमल सिंह ठाकुर की रिपोर्ट, ACN 24।